जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। चलो देखो आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3 है। ठीक, देखो अगर कोई परसेंटेज संख्या दिया हो, ठीक, जैसे आप लोग ही बताना यहाँ पर, अगर जैसे दिया हो 50%, ठीक, प्लस 5, और यहाँ पर जैसे दिया हो 50 प्लस 5%, और यहाँ पर दिया सेम ही 50 प्लस 5%। ठीक, और यहाँ पर देखो यह जो दिया आपका 50% प्लस 5 बराबर, देखो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर 55%, और यह भी आपका हो गया 55%, और यह भी आपका हो गया कितना 55%। अब आप लोग यहाँ पर बताओ इनमें से कौन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर देखो जो यह दिया है कि 50% प्लस 5 बराबर 55%, 50% प्लस 5% बराबर 55%, या फिर 50% प्लस 5% बराबर 55%। आप लोग इसमें से बताओ कौन इसमें से सही है। चलो देखो आप लोग ऐसे ही कि यहाँ पर देखो यह संख्या क्या है, परसेंटेज में है, ठीक, और यहाँ पर यह जो संख्या है यह परसेंटेज में नहीं है, तो इसका मतलब यह हो गया गलत। इसको देखो यहाँ पर यह 50% है और यह 5%, जब ये दोनों परसेंटेज में है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, इसका मतलब यह क्या है, सही। आगे देखो यह जो 50 है यह नंबर है, एक परसेंटेज में नहीं है, और यह जो 5 है यह क्या है, परसेंटेज में, तो इसका मतलब यह भी हो जाएगा गलत कि यह भी ऐड नहीं होगा। कि अगर हम देखो सबसे पहले कंसेप्ट को आप इसको लिखो, लिखो आप लोग प्रतिशत वाली संख्या में नॉर्मल संख्या को घटाया या फिर बढ़ाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। कि आप लोग इसको नोट करके लिख लेना कि अगर कोई संख्या परसेंटेज के फॉर्म में है या फिर प्रतिशत के रूप में है तो उसमें हम कोई नॉर्मल संख्या को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। कि अगर वह संख्या परसेंटेज में है तो उसमें हम परसेंटेज नंबर को जोड़ लेंगे या फिर परसेंटेज को ही केवल घटाएंगे, और अगर वह नॉर्मल संख्या है तो उसमें केवल हम नॉर्मल संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। लेकिन अगर कोई संख्या परसेंटेज के फॉर्म में है तो उसमें हम नॉर्मल संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही उसमें से घटा सकते हैं। ठीक, जैसे देखो कि अगर यहाँ पर दिया हो 5% प्लस 10% प्लस 20, अगर आपको इसको ऐड करना तो यह कितना होगा, या फिर 4% प्लस 3% प्लस 2% बराबर यह क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो यह क्या है, परसेंटेज फॉर्म में, तो 5% और 10% यह दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15%। देखो 5% और 10% बराबर यह कितना हो जाएगा 15%, प्लस में कितना हो जाएगा यह 20, यह जो 20 है अलग से इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर बराबर इतना होगा। ठीक, और सेम इसी प्रकार से जब इसमें आप ऐड करोगे, देखो यहाँ पर यह 4% है और यह 2% है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6%, प्लस में यह कितना हो जाएगा आपका 3, तो यह आपका होगा आंसर। ऐसा नहीं आप करोगे कि यहाँ पर डायरेक्ट देखो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9%, इसको आप इस प्रकार से लिखो 9% आंसर होगा, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर यही दोनों सही होगा। सेम इसी प्रकार से आप इसका आंसर बताओ कि अगर दिया हो 100% प्लस 120% प्लस 50, तो यह बराबर कितना होगा, इसका आप नंबरिंग कर देना, इस क्वेश्चन की नंबरिंग आप करना, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, नोट करो। चलो देखो अब
इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ो, इसको आप लोग सॉल्व करो। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है, तो मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोला है, किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% हो जाती है। अगर देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, अगर हम संख्या को अगर हम मान लें 100%, ये जो संख्या उसको हमने मान लिया 100%, तो अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में से अगर हम 55 को घटा रहे हैं तो वह जो संख्या वह कितना हो जा रही है, 80% हो जा रही है। यही ने बोला है क्वेश्चन में, क्या कहीं देखो किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% हो जा रही है। ठीक, तो देखो इसका कितना हो जा रहा है, 80%। तो इसका मतलब यहाँ पर यह कितना हो गया, जब 80% को इधर लेके आएंगे और 55 को हम उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 100% - 80% बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 55। तो 100 में से जब 80 माइनस हो कितना, कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20%। और जो है 20% बराबर किसके आ गया, 55 के। और आपको यहाँ पर क्या बताना है, एक तो मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितनी यहाँ पर है, ओरिजिनल संख्या को हमने कितना माना, ओरिजिनल नंबर को 100%। तो यहाँ पर जब 20% बराबर है 55 के, तो यहाँ पर 100% बराबर किसके हो जाएगा, 55/ कितना हो जाएगा, यह 20। अब गुड़े में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 100। 20 एकम 20, 20 25 कितना हो जाएगा, 100। 5 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 5 25 के 5, 5 25 2 कितना हो जाएगा, 75। 275। लेकिन ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर, ये आपका आंसर अभी नहीं है, ओरिजिनल नंबर ये आपका है। ठीक, मूल संख्या है, लेकिन आपको बताना क्या है यहाँ पर, मूल संख्या का 4/5 भाग, कि मूल संख्या का 4/5 भाग ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर यहाँ पर कितना है, 275। इसका निकाल देखिए हम 4/5, 4/5, तो बराबर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 25, यहाँ पर कितना बचेगा, फिर जाके हो जाएगा 5 25, और 55 × 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 5 20 0, 5 20 2 कितना हो जाएगा, 22। 220 आपका मेन आंसर यह होगा, क्योंकि लास्ट में देखो या तो आपका एक बार मूल संख्या, अगर आपसे एक बार पूछता है कि ओरिजिनल नंबर इसमें क्या है, तो आपका हो जाता आंसर 275। लेकिन आपसे पूछा कि आप यहाँ पर कि ओरिजिनल नंबर का 4/5 भाग क्या होगा, कि ओरिजिनल नंबर का 4/5 ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 220। इसको आप नोट। अब चलो आप लोग सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट को पहले आप समझो, उसके बाद उसी पर बेस्ड हम दो और क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। देखो ध्यान से आप लोग समझो, सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट कि अगर जैसे कोई संख्या हो, जैसे संख्या को यहाँ पर अगर हम मान लें 200, ठीक, अगर एक संख्या हमने यहाँ पर मान लिया कितना है, 200, अगर आपसे यहाँ पर बोला जाए संख्या को 10% बढ़ाया जाए, ठीक, यहाँ पर आपसे अगर बोला जाए कि संख्या को अगर 10% बढ़ाया जाए, इसका मतलब यहाँ पर दो अर्थ निकलेगा, जो इसमें पहला आपका होगा बड़ी हुई संख्या, ठीक, और इसके बाद नई संख्या। यहाँ पर हमें दो चीज मिलेगा, एक तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि अगर आपको बताना हो, जैसे अगर कोई संख्या दिया, अगर इसमें बोल दिया जाए आपसे कि उस संख्या को अगर 10% बढ़ाया जाए, और 10% बढ़ाने का मतलब क्या, उसमें आपको दो चीज मिलेगा, पहला आपको मिलेगा क्या, अगर 10% बढ़ाने के बाद
बढ़ी हुई संख्या अगर आपसे पूछ दे कि उसमें 10% जब उसको हमने बढ़ा दिया तो वह कितना बढ़ गई, तो यह देखो यहाँ पर अलग हो गया। लेकिन इसके बजाय अभी आपसे पूछ सकता है कि 10% बढ़ाने के बाद हमें नई संख्या क्या मिलेगी, उसका देखो यहाँ पर यह हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को आप लोग ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर संख्या आपकी कितनी थी, 200। ठीक, अगर 200 को जब हम 10% बढ़ा देंगे, यहाँ पर कितना बोला, 200 को 10% अगर बढ़ाया जाए तो उसमें संख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 गुणे में इसका निकाल देंगे हम कितना, 10%। 10% जब इसका निकालेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 0000 कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। कि जब 200 को जब हम 10% बढ़ा देंगे तो इसमें कितनी संख्या बढ़ जाएगी, जो बढ़ी हुई संख्या वह कितनी होगी, 20। कि इसमें 20 की क्या होगी, वृद्धि हो गई। ठीक, कि इसमें बढ़ी हुई संख्या कितनी है, 20। और अगर इसके बजाय अगर आपको बताना हो कि 10% बढ़ाने के बाद हमें नई संख्या क्या प्राप्त होगी, कि नई संख्या क्या प्राप्त होगी, उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कि संख्या हमारी कितनी थी, 200। जब 200 को हम 10% बढ़ा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या पहले कितनी थी, 100%। 100% के बाद इसमें 10% हमने और बढ़ा दिया, इसका मतलब हमने इसमें कितने की वृद्धि कर दिया, 10 की। इसको देखो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका हम निकाल दें कितना, 10%। 10% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बटे में कितना हो जाएगा, 100। बराबर है कितना हो गया, 0000 कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 20। इसमें 20 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब 20 की इसमें वृद्धि हो गई तो नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो नई संख्या बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा। सबसे पहले देखो 200 था, इसमें 20 की वृद्धि हो गई तो यह कितना हो गया, 200 + 20 बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 220 की जो नई संख्या मिल गई हमें कितना, 200। लेकिन अगर आप इस प्रकार से निकालोगे तो आपका ज्यादा समय लगेगा। कि सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया था, कि सबसे पहले इस टोटल संख्या का हमने क्या किया, 10% निकाला। जब हमने इसका 10% निकाला तो कितना आ गया, 20। तो हमें यह पता चल गया कि 20 की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और जब हमें पता चल गया 20 की वृद्धि हो गई तो नई संख्या बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 में प्लस हमने कर दिया कितना, 20 की। 200 का हमने 10% निकाल के इसमें ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया नई संख्या कितनी है, 220। लेकिन इसको आप इस प्रकार से नहीं निकालोगे, देखो आप इसको यहाँ पर डाइट करोगे। डाइट कैसे आप करोगे, जैसे आपको बोलेगा कोई संख्या है उसका अगर आप 10% क्या यहाँ पर बोला, उसको अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखो तो नई संख्या बराबर वहां पर क्या होगी, संख्या कितनी थी, 200। जब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अगर 10% उस संख्या को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब इसका हम निकाल देंगे कितना संख्या है जो है कितने अपने आप में, 100% है। जब 100% से 10% और बढ़ा दिया गया, इसका मतलब कितना हो गया संख्या, 110%। तो इसका हम डायरेक्ट निकाल देंगे 110%, 110 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 0000 कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 220। ठीक, और सेम इसी प्रकार से अगर आपसे यहाँ पर बोलता कि 10% के बजाय 20% बढ़ा दिया जाए, इसको आप लोग यहाँ पर देखो दूसरे पेन से, कि अगर 10% के बजाय 20% बढ़ा दिया जाए तो यहां पर नई संख्या बराबर क्या हो जाएगी, सीधे सीधे देखो 200 गुणे में संख्या अपने आप में कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। जब इसमें 20% इसको बढ़ा दिया गया तो 100 से कितना हो गया, 120%। इसका निकाल दिया डायरेक्ट 120%, 120 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 0000 कैंसिल, 12 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा, 24। कितना यह आ गया, 240। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और जब हमने यहाँ पर 20% को इसको बढ़ाया तो अगर आपको बताना हो कि बढ़ी हुई संख्या कितनी है, कि उस संख्या में कितने की वृद्धि हो गई, तो देखो अगर इसको जब हमने 20% बढ़ाया तो यह कितने की वृद्धि हो जाएगी, 200 गुणे में 20 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 0000 कैंसिल, 20 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा, 40। इसमें वृद्धि कितने की हो गई, 40 की। तो यहाँ पर आपका आंसर यह होगा। देखो जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सेम उसी तरह से आप उसको सॉल्व करोगे। अगर किसी संख्या में अगर आपसे बोल देगा कि अगर उस संख्या को 20% या 30% बढ़ाया जाता है तो वहां पर बढ़ी हुई संख्या क्या होगी, तो बढ़ी हुई जो संख्या होगी उसको हम इस प्रकार से निकालेंगे कि उसका हम उतना परसेंट डायरेक्ट निकाल देंगे। और अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अगर किसी संख्या का 30% किसी संख्या को अगर 30% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी, तो वहां पर उसको हम इस प्रकार से निकालेंगे कि 100% में अगर बोलेगा 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका डायरेक्ट हम 130% निकालेंगे। अगर किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या, तो उसी संख्या का हम 150% निकाल देंगे क्योंकि 50% बढ़ाया गया। इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद अब हम सीखेंगे कि अगर यहाँ पर बढ़ाने के बजाय अगर घटाया जाए तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि कोई संख्या दिया हो अगर उसको बढ़ाने के बजाय उसको घटा दिया जाए तब वहां पर
जो घटी हुई संख्या वह कितनी होगी, या फिर जो नई जो संख्या हमें मिलेगी वह क्या होगी, इसको पहले आप नोट करो। चलो देखो, अब यहां पर देखो केवल इतना ही हटाया जा रहा है। दस परसेंट बढ़ाने के बजाय केवल यहां पर क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। इसको देखो आप लोग, कंसेप्ट नंबर सेकंड, 200 ही उसको रहने दो, केवल यहां पर बढ़ाने के बजाय 10% इसको क्या कर दो, घटा दो, घटाया जाए। तो घटी हुई संख्या यहां पर केवल नई संख्या, सेम देखो वैसे ही यह भी सॉल्व होगा। कि अगर जब आपसे यहाँ पर बोलेगा कि 10% घटा दिया जाए किसी संख्या को, और संख्या अगर हमने मान लिया 200 है, अगर संख्या 200 हो जब उसको 10% घटाया जाए तो यह कितना हो जाएगा, देखो 200 का जब हम 10% निकालेंगे घटाकर कितना हो जाएगा, 10/10 कितना हो जाएगा, 100, 000 कैंसिल, बराबर कितना यहाँ पर आ गया, 20 आ गया। ठीक, कि 20 ही क्या हुआ यहाँ पर, घटाया गया है। और देखो नई संख्या तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नई संख्या बराबर आपका यह हो जाएगा 20 को हम कर देंगे इसमें से माइनस, कितना आ जाएगा 180। लेकिन इसको हम कैसे डायरेक्ट करेंगे, देखो संख्या अभी कितना था यहाँ पर 200, जब 200 को हम 10% घटा दिए, 200 में से अगर यहाँ पर बोला संख्या को अगर 10% घटाया जाए, तो 10% घटाने का मतलब क्या है, संख्या अपने आप में कितना थी, 100% थी। कि जो यहाँ पर यह है 200 अपने आप में कितना है, 100% है। 100% में से अगर 10% जब हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, केवल 90%। तो इसका हम डायरेक्ट निकाल देंगे 90% बटे में कितना हो जाएगा, 90/100, 000 कैंसिल, 9 दोनों यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, 180 बचा। कि देखो कैसे यह हुआ कि यहाँ पर जो आपका यह 200 था यह अपने आप में कितना था, 100% था। और जब इसमें से हमने 10% को जब हमने माइनस किया, 10% माइनस करने का मतलब यहाँ पर कितना हमें मिल गया, 90%। तो हमने क्या किया, 90% डायरेक्ट इसका हमने निकाल दिया। ठीक, समझो एक क्वेश्चन और इस पर, कि अगर जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हो 300 संख्या हो, जैसे 300 में से 20% घटाया जाए तो नई संख्या, तो यहां पर नई संख्या क्या होगी, देखो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहां पर देखो यह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो यहां पर 300 अपने आप में कितना है, 100% है। और जब 100% में से यहाँ पर 20% जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 80%। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो यह संख्या है 300 इसका हम निकाल लेंगे कितना, 80%। तो नई संख्या बराबर यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, 300 गुणा यह हो जाएगा आपका 80/80 में कितना हो जाएगा, 100, 000 कैंसिल, 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24, 240 हो जाएगा। ठीक, 8 3 24, 240 यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो इस कंसेप्ट को, फिर इसी पर बेस्ड अब हम दो क्वेश्चन करेंगे, नोट करो। और एक और आप लोग यहीं पर छोटा सा एक कंसेप्ट देख लो, एक और इसका जो अगला जो कंसेप्ट है, क्योंकि उस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहीं पर देख लो। हेडिंग बना रहा आप लोग यहाँ पर भी एक कंसेप्ट, कि अगर दो संख्या हो, एक संख्या हो ए और दूसरी संख्या हो बी, और यहाँ पर इसका रेशियो दिया यहाँ पर 2 और यह है 3, कि दो संख्या है जो 2:3 के अनुपात में है। ठीक, 2:3 के अनुपात में है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि दोनों अनुपातों में या फिर दोनों संख्याओं में अगर 10% की वृद्धि कर दिया जाए, कि दोनों देखो Each number increase by
20%, ठीक, कि दोनों संख्याओं की, यहाँ पर देखो जो दोनों संख्या अगर इसको 20% बढ़ा दिया जाए, दोनों संख्या को 20% अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर वह संख्या जो नया जो रेशियो जो मिलेगा वह क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर जो इन दोनों संख्याओं को जो रेशियो दिया कितना है, 2:3 है, अगर इन दोनों को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो नया रेशियो हमें क्या मिलेगा, नई संख्या या फिर नया रेशियो हमें क्या मिलेगा, इसको देखो आप लोग समझो इसे। आप लोग देखो संख्या जो दिया है इसका रेशियो कितना है, 2:3, अगर हम 2 को भी बढ़ा दें कितना, 20%, 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, 120 बटे में कितना हो जाएगा, 100, 20 में लगा दो रेशियो, फिर यह कितना हो जाएगा, 3, 3 गुणे में यह कितना हो जाएगा, 120 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 100। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, 100 से 100 हो गया कैंसिल, 120 से 120 भी हो गया कैंसिल, कि जब हमने इसको 120 जब इसको हमने 20% बढ़ा दिया तो यहाँ पर यह जो संख्या थी इन दोनों संख्याओं का रेशियो हमेशा फिर क्या मिल गया हमें, 2:3 ही मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई भी संख्या अगर रेशियो के फॉर्म में है, अगर उन दोनों संख्याओं में अगर एक ही वृद्धि की जाए, दोनों संख्याओं में अगर हम एक ही वृद्धि करें, कि जैसे अगर 10% की वृद्धि कर दें या फिर 20% की वृद्धि कर दें वो भी दोनों में, तो वहां पर उनके रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो उनका जो रेशियो रहेगा वह सेम रहेगा, ठीक। इसको भी आप लोग नोट कर लेना, इस पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे, नोट करो इसे। चलो अब देखो क्वेश्चन, आपका देखो यह क्वेश्चन जो दिया है कि किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है, ठीक। यहाँ पर देखो लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात वह कितना है, गर्ल्स और बॉयज के संख्या का अनुपात है 8:7, कितना है, 8:7 है। आगे क्या बोला इसमें कि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% तथा 20% हो जाए, कि इनके देखो जो रेशियो इनका है इसमें वृद्धि देखो दिया कितना, 10% और 20%, कितना दिया, 10% और 20%। देखो ध्यान से, जब इनके अनुपात में जब यहाँ पर वृद्धि किया गया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के वृद्धि किया गया, तो पहले वाले में कितना, लड़कियों की संख्या में 10%, 10% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 110 बटे में कितना हो गया, 100, फिर लगा रेशियो, और इसमें कितना का वृद्धि कर दिया, 20% का, 120 बटे में कितना आया हो गया, 100, तो बराबर देखो कितना मिल गया हमें, 100 से 100 हो गया कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 4 3 देखो 4 2 8 और 4 3 कितना हो गया यहाँ पर, 12, 11 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 22, रेशियो 7 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 21, बराबर आपका देखो यही हो गया आंसर, का नया रेशियो हमें यही मिला, 22:21, बहुत ही सिंपल था। अगर यहाँ पर बोलता सेम परसेंटेज से अगर इसमें वृद्धि करता तो इसके रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि और लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि किया, तो इन दोनों का जो रेशियो आ गया हमें कितना मिल गया, 22:21 मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसे। क्वेश्चन आपका यह क्या दिया है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना, अच्छे फलों का प्रतिशत। देखो सबसे पहले क्या बोला इसमें, 600 क्या है, संतरे, और इसके बाद क्या बोला इसमें, 400 क्या है, केले। जब इसमें से देखो क्या बोला है, जो संतरा है यह 30% और केला जो है 18% क्या है, सड़ गया है। जब इसमें से 30% जब संतरा सड़ गया तो कितना परसेंट बचा होगा, जब इसको अगर मानो 100%, तो 100 में से 30% खराब हो गया, तो बचा कितना, 70%, यहाँ पर लिखो अब बचा हुआ, ठीक। तो देखो इसका निकाल दो आप कितना, 70%, क्योंकि जब 30% सड़ गया तो 70% बचा, तो बराबर यहाँ पर कितना बचा है, 000 कैंसिल, देखो 7 6 कितना हो जाएगा, 42, 420 संतरे क्या है, बचे हुए हैं, ठीक। और इसी प्रकार देखो केलों को निकाल दो आप, जब केला है 400 में से 18% केला क्या यहाँ पर सड़ गया, जब 18% सड़ गया तो बचा कितना,
400 में से अब 18% सड़ गया, तो बचा यहाँ पर कितना 82%। तो 82% निकाल दो इसका, 0000 कैंसिल, बराबर देखो 8 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 32, 4 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, 300 कितना हो गया यहाँ पर 28। तो यहाँ पर टोटल बचे देखो, टोटल बचे फल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बचा हुआ फल, बचा हुआ देखो संतरा कितना 420, बचा हुआ केला कितना 328, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 0 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 8, 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 748 ये यहाँ पर क्या है बचा हुआ है। ठीक, और आगे आपको यहाँ पर बताना क्या है, तो अच्छे फलों का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना था 601 और 400 बराबर टोटल कितना है 1000 फल। तो यहाँ पर अच्छे फलों का जो बचा हुआ जो फल है, अच्छे फल है, इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा देखो 748 गुणे में इसको परसेंटेज में बदलने के लिए करेंगे इनटू हम किसका 100 का बटे में कितना हो जाएगा जो ओरिजिनल है कितना था 1000, 0000 कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 7.74% यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप लोग अब नोट करो। आई होप आपको यहाँ पर जितना क्वेश्चन और कंसेप्ट बताया गया यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी को अगर कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।